लेख न्यूज में हम फिर हाजिर हैं उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की खास खबरों के साथ। थाना भवन ने पैरा मेडिकल के करीब डेढ़ दर्जन छात्र छात्राओं को फीस न भरने के कारण परीक्षा में बैठाने से पैरा मेडिकल संचालक ने मना कर दिया। इसके बाद परिजनों व छात्रों ने विरोध करते हुए रिश्वत मांगी व हर धर्मिता करने का आरोप लगाया है। परीक्षा छूटने से छात्र छात्राओं का भविष्य अधर में लटक चुका है। दरअसल शामली जनपद के थाना भवन में दिल्ली सहारनपुर नेशनल हाईवे मार्ग पर दिव्या पैरा मेडिकल कॉलेज में दर्जनों छात्र छात्राओं व उनके परिजनों ने हंगामा काटते हुए आरोप लगाया कि उन्होंने दिव्या पैरा मेडिकल कॉलेज में अलग अलग मेडिकल कोर्सेज में दाखिले ले रखे हैं, लेकिन कुछ आर्थिक परेशानी के चलते फीस का कुछ हिस्सा वे समय से नहीं जमा करा पाए हैं। और आज जब वे परीक्षा देने के लिए पैरा मेडिकल कॉलेज पहुंचे तो पैरा मेडिकल संचालक ने उन्हें परीक्षा में बैठाने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। इसके बाद परिजनों व छात्र छात्राओं ने हंगामा काटते हुए आरोप लगाया कि पैरा मेडिकल संचालक के द्वारा परीक्षा में ना बैठाने देने से उनका भविष्य अधर में लटक चुका है। साथ ही आरोप लगाया कि वे परीक्षा में बैठाने के नाम पर रिश्वत की मांग भी करते हैं। इस मामले में दिव्या पैरा मेडिकल कॉलेज के संचालक नरेंद्र सिंघल ने कहा कि छात्र छात्राओं को कई बार फीस के लिए कहा गया है, लेकिन फीस जमा नहीं की गई है, जिस कारण उन्हें परीक्षा में नहीं बैठाया गया है। घटना ये सर कि हमारी लड़की पढ़ती है यहाँ पे इसी कराने और उनकी जो इन्हें द्वितीय वर्ष की वह थी परीक्षा उसमें बैक आ चुकी थी उनकी। उसके बाद फिर इन्होंने ये 26-27 डेट एग्जाम की आई, इन्होंने एग्जाम नहीं करा। एग्जाम न कराने कारण के कुछ थोड़ी बका चीज थी, इसलिए इन्होंने एग्जाम नहीं करा। अच्छा सर, और भी कोई आरोप लगा रहे थे आप? आरोप सर रिश्वत मांगते हैं। किस चीज़ की रिश्वत मांगते हैं? एग्जाम रिश्वत दो और फिर उसके बाद एग्जाम कराएंगे। मतलब एग्जाम कराएंगे पास कराने की रिश्वत मांग रहे हैं या पास कराने के लिए? पास कराने के लिए। कौन लोग हैं जी? कौन मांग रहा आपसे रिश्वत? अंजलि सर है और टीचर। तो कितने स्टूडेंट हो गए जो परीक्षा में नहीं बैठ पाए? स्टूडेंट तो सर काफ़ी है, लेकिन फिलहाल तो ये 15-10 के आसपास है।